नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मान सिंह मौर्य और ज्ञानी गुरु जी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं शुरू कर रहा हूं दिल्ली सल्तनत। जी हां दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मध्यकालीन इतिहास के पीछे के टॉपिक को कवर नहीं किया है, तो आई बटन में यहाँ पर लिंक दिया गया है, चले जाइए और जा करके प्लेलिस्ट में उस क्लास को जरूर देखिए, तभी आपको आगे का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से, और गुलाम वंश ही दिल्ली सल्तनत पे पहले सबसे आया था। तो मैंने आपको पीछे कहानी को कैसे बताया था उसको यहाँ पर आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो पहले ये समझिए कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश ने शासन किया, और गुलाम वंश ने दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया, और इसमें कुल 11 शासक हैं। याद रखना है, गुलाम वंश का शासन काल शुरू होता है 1206 से 1290 तक चलेगा, और इसमें कुल 11 शासक हुए हैं। उसके बाद आया दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 से, और यह 1320 तक चलता जाएगा, और इसमें कुल 5 शासक हुए हैं। याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। खिलजी वंश के बाद आएगा दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश की शुरुआत होगी 1320 ईस्वी से, और 1414 ईस्वी तक यह चलेगा, और इसमें कुल 9 शासक हुए हैं। उसके बाद है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश की शुरुआत होगी 1414 ईस्वी से, और यह 1451 ईस्वी तक चलेगा, और इसमें कुल 4 शासक हुए हैं। उसके अंत में आएगा दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश का शासन काल है 1451 से, और यह 1526 तक चलता जाएगा। आपने 1526 में पढ़ा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर उस समय क्या करता है, इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा देता है और अंत कर देता है लोदी वंश का, और मुगल वंश की स्थापना हो गई 1526 में। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है, और लोदी वंश में केवल 3 शासक होते हैं। तो तीनों शासकों की कहानी हम अंत में पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में कहां से करूंगा, गुलाम वंश से शुरुआत में करने वाला हूं। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पे कितने राजवंशों ने शासन किया। तो कितने दोस्तों, 5। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आ जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद दोस्तों तुगलक वंश, और तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद अंत में लोदी वंश। तो 5 राजवंशों का यह सीरियल क्रम भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपके एग्जाम में इसको सेट करने के लिए दे देता है, तो जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग गुलाम वंश में 11 शासक हुए हैं, तो 11ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा और वहां से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने या तो बहुत ही महान कार्य किया, और नहीं तो जिसने बहुत गंदा कार्य किया था। तो जिन लोगों ने अच्छा काम किया है गुलाम वंश में, उन्हीं को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना अगर कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब मुहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी दैमक नामक स्थान पर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा जाएगा, यह 1206 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत में आएगा, गुलाम वंश की स्थापना करेगा, और 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश को कहा जाता है कि यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसके शासनकाल में गुलाम वंश बहुत ऊपर पहुंचेगा, चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा जाएगा, और रजिया सुल्तान ने 4 वर्षों तक शासन किया, 1236 से 1240 तक। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। तो इसका शासनकाल रहेगा 1240 से 1242, केवल 2 वर्षों तक ही इसने शासन किया है।
उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन महमूद शाह के बारे में। तो ये अपना भाई साहब कब से कब तक शासन चलाएंगे, तो ये यहाँ पर चलाएंगे दोस्तों 1242 से 1246 तक। और फिर पढ़ेंगे दोस्तों अलाउद्दीन महमूद के बारे में, सॉरी नसरुद्दीन महमूद के बारे में। और नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल रहेगा 1246 से 1266 तक। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को चलाया। इसके बाद भी एक दो छोटे छोटे गुलाम वंश के राजा हुए, जैसे कैकुबाद था, तो उसके बाद गुलाम वंश का अंत हो जाएगा और फिर हम लोग शुरू कर देंगे खिलजी वंश के बारे में। तो आज मैं आपसे गुलाम वंश के जितने टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, जितना मैं कवर कर लेता हूँ इस क्लास में कवर करूँगा। अगर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर अगले क्लास में इसको कवर मैं करवा दूंगा। मैं बता दूँ दोस्तों कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर आप रखिएगा। अगर पेशेंस नहीं होगी तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और इस टॉपिक को ये मत समझना कि बहुत कम पूछा जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कहानियों से भरा हुआ टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। तो कोशिश करना कि पूरी क्लास करके जाओ। और बिल्कुल दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको ज्ञानी गुरुजी चैनल पे जो भी क्लास फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ आपको पहले जानना है। इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है दोस्तों, तो चंद्रमा का देवता, ये इसका अर्थ है, आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको जानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था, तो ये था कुतुबी तुर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी तुर्क था, इसको भी याद रखेंगे। अब इसके बचपन की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे यह मोहम्मद गोरी के पास तक पहुँचेगा। तो समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक काजी थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। इन्होंने क्या किया कि एक मार्केट से खरीद लिया, और ख़रीद करके, यह निशापुर के काजी थे याद रखना, तो इन्होंने मार्केट से ख़रीदा था इसको और ख़रीद कर लेकर अपने साथ गए। और ले जा करके इन्होंने, भाई सूफी संत थे तो जाहिर सी बात है कि कुरान की शिक्षा देंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन से ही इन्होंने कुरान की बहुत अच्छी शिक्षा दी। इसीलिए यह कुरान का पाठ बहुत अच्छे से गाता था, बहुत सुरीले स्वर में यह कुरान का पाठ गाता था। इसीलिए इसकी उपाधि मिल गई, इसको एक पदवी मिल गई जिसका नाम था कुरान ख्वा। कुरान का अच्छा पाठ करने की वजह से इसको उपाधि मिली थी कुरान ख्वा की, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद जब इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो इस सूफी संत ने क्या किया, इसको ले जा करके मोहम्मद गोरी के दरबार में बेच दिया। मोहम्मद गोरी को गुलाम रखने का बहुत शौक था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो देखिए, मोहम्मद गोरी के पास जब इसको बेच दिया गया तो बहुत तेज तर्रार था, बहुत अच्छा शिक्षा भी प्राप्त कर चुका था, तो मोहम्मद गोरी का बहुत जल्दी अविश्वास पात्र बन गया, बहुत ईमानदारी से काम करता था। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने इसको एक उपाधि दी जिसका नाम था अमीर ए आखूर, जिसका अर्थ होता है शाही घुड़साल का अधिकारी। बहुत जल्दी यह इस पद पर पहुंच गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो जो दिल्ली के सरदार थे उन लोगों ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का जो सल्तनत था इसका बादशाह बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। और प्रस्ताव क्या रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत पे बैठा दिया गया। लेकिन एक बात समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सम्राट के प्रति, मतलब मोहम्मद गोरी के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित था, उसने अपने जीवन काल में कभी भी सुल्तान की पदवी, बादशाह की पदवी धारण नहीं की। इसने कहा कि मैं मोहम्मद गोरी का गुलाम हूँ और मैं गुलाम के रूप में ही दिल्ली सल्तनत पर शासन करूँगा। लेकिन एक और मैं आपको बात बता दूँ यहाँ पर दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सल्तनत पर बैठ तो गया लेकिन इसने कभी भी दिल्ली में रहकर अपना शासन नहीं चलाया। ये अपना शासन चलाता था अपनी राजधानी लाहौर से। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और वहीं से दिल्ली का शासन ये चलाया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली तो मुख्य केंद्र है, परंतु यह लाहौर से क्यों शासन चला रहा है, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। देखिए, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है उस समय इसके चार गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के चार गुलाम थे। पहला था तो कुतुबुद्दीन ऐबक,
एक गुलाम का आपको नाम याद रखना है, कुबाचा। कुबाचा ये भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। एक था यल दौज, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यह गजनी चला गया और गजनी पर जा करके इसने अधिकार कर लिया। और एक और था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। नाम पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो चार गुलाम थे यह मोहम्मद गोरी के। तो जब मोहम्मद गोरी मरा तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को तो दिल्ली मिल गया, यलदौज कहाँ चला गया, तो ये चला गया गजनी में। कुबाचा कहाँ पे जाएगा, तो कुबाचा को मुल्तान मिला था, मुल्तान, यह मुल्तान पर शासन करता था। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो था यह चला गया पटना के तरफ। और आपने पढ़ा होगा कि पटना में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने जा करके नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था जब यह जा रहा था बंगाल की विजय करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए कभी दिल्ली नहीं रहता था क्योंकि इसको हमेशा डर बना रहता था कुबाचा से, यलदौज से। इसको लगता था कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये लोग मेरी मार कर हत्या कर देंगे, मुझे मार डालेंगे और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसीलिए यह कभी दिल्ली नहीं आया और हमेशा यह लाहौर से अपना शासन चलाता था। और इसने क्या किया था अपने जीवन काल में, इसकी एक मुँह बोली बहन थी, उसी की शादी करवा दिया था कुबाचा से, ताकि कुबाचा से इसके अच्छे संबंध हो जाएंगे तो कुबाचा इसकी हत्या नहीं करेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझते चलना आप, कुबाचा से तो इसने रिश्ते बना लिए थे, परंतु गजनी चला गया था यलदौज, इससे हमेशा इसको खतरा बना रहा। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी था, इससे भी इसको खतरा बना रहा। अब एक और बात मेरी याद रखना, जैसे ही यह दिल्ली की सल्तनत पर बैठा तो बहुत ज़्यादा उदारवादी व्यक्ति था, बहुत दानशील व्यक्ति था, हमेशा गरीबों को दान दिया करता था। इसीलिए इसकी एक और उपाधि थी दोस्तों, लाख बख्श और पील बख्श। पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान करने वाला, या हाथियों का भी दान करता था, इसीलिए इसको पील बख्श की उपाधि दी गई है। और लाख बख्श कहा गया है लाखों का दान देने वाला, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ दान दिया करता था। तो आप इसकी उपाधि याद रखेंगे, कुरान ख्वां, लाख बख्श, पील बख्श और अमीर ए आखुर, याद रखिएगा ये सब। अब देखिए, इसकी राजधानी थी लाहौर। अब इसके दो विद्वानों का आपको नाम याद रखना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। पहला है हसन निजामी, हसन निजामी, और दूसरा है फख्र मुतव्विर, मुदव्विर बोला जाता है। यह दोनों विद्वान इसी के दरबार में रहा करते थे, इन दोनों को इसने संरक्षण दिया हुआ था। अब इसके निर्माण कार्यों के बारे में भी आपको जानना है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने अपने जीवन काल में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और आपको पता है कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, इन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। परंतु निर्माण पूरा होने से पहले ही इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी, अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरा इसने अपने जीवन काल में जो निर्माण कार्य करवाया है वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसको, यह एक मस्जिद है, पहले तो ये जानना है, अढ़ाई दिन का एक झोपड़ा एक मस्जिद थी और इसका निर्माण इसने करवाया था अजमेर में। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था दिल्ली में, और यह भारत में बनी पहली मस्जिद है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत में बनी पहली मस्जिद का नाम बताइए, तो वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, भारत में बनाई गई पहली मस्जिद का नाम है। तो इसने अपने जीवन काल में इसको भी बनवाया था। अब मैंने बताया कि यह लाहौर में रहा करता था, तो लाहौर से ही अपना शासन चलाता था। एक बार क्या हुआ, 1210 ईस्वी की बात है, यह चौगान खेल रहा था। आपको पता है चौगान एक खेल होता है पोलो के समान, घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है, पोलो है। तो इसी को यह खेल रहा था लाहौर में, और घोड़े पर से गिर गया, बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से 1210 ईस्वी में इसकी लाहौर में ही मृत्यु हो जाती है। जब लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई तो जो लाहौर के अमीर सरदार थे उनको लगा कि अब इस वंश में राजा कौन बनेगा, बादशाह कौन बनेगा। तो बादशाह बनाने के लिए इसका एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, आराम शाह। तो लाहौर के जो सरदार थे उन लोगों ने क्या किया, 1210 ईस्वी में आराम शाह को लाहौर में ही सुल्तान बना दिया गया। लेकिन यह बहुत ज़्यादा, देखो नाम से ही लग रहा है आराम शाह,
बहुत ज़्यादा आलसी व्यक्ति था, अयोग्य व्यक्ति था। इसको लाहौर में सुल्तान तो घोषित कर दिया गया, परंतु यह लंबे समय तक अपने पद पर नहीं रह पाया क्योंकि अयोग्य था। इसीलिए 1210 ईस्वी में ही इल्तुतमिस कहा जाता है कि इल्तुतमिस इसका दामाद हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो इल्तुतमिस को 1210 ईस्वी में पुनः क्या किया गया, सुल्तान बना दिया गया गुलाम वंश का। तो बीच में आराम शाह भी शासक बना है, इसका भी नाम याद रखेंगे, बहुत ही कम समय के लिए शासक बना। उसके बाद 1210 ईस्वी में इल्तुतमिस को शासक बनाया जाएगा। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे इल्तुतमिस के बारे में। और मैं बता दूं कि देखो, ये छोटे से टॉपिक जो मैं कवर करते हुए लेकर चल रहा हूँ, इनको आप पूरा कवर करना, एक सीरीज मैंने चालू की है दिल्ली सल्तनत, तो इसको आप धीरे धीरे पूरा कवर कर लोगे तो आपका मध्यकालीन इतिहास का जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा टॉपिक है, आपका एक बार अगर कंप्लीट हो गया तो कोई भी एग्जाम आप अगर देने जाते हो तो वहाँ पर इसके प्रश्न मिलेंगे, तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिस के बारे में, जो 1210 ईस्वी में राजा बना है, सुल्तान बना है, उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको छोटी सी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ये बेल आइकन जो दिख रहा है इस पर जरूर क्लिक करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का जो बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर दीजिए और अगली क्लास आपको इसकी जल्दी मिलेगी जिसमें इल्तुतमिस के बारे में बात की जाएगी। और जिन लोगों को अदर सब्जेक्ट को भी बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ना है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में इसमें चले जाओ, प्लेलिस्ट में भी आप सभी को ये जो मैंने छोटे छोटे क्लास करवाए हैं आप सभी को, हिंदी की क्लास नीति सर ने करवाई है, तो वो भी क्लास आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिस के बारे में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।